तो दोस्तों आपने देख लिया कि SPSC का चालान हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो अब देखते हैं इसकी फिलिंग कैसे होगी और कौन सी बैंक्स में इसको पे किया जा सकता है। तो इसकी देखते हैं कौन सी फील्ड्स हैं जो हमें फिल करनी है और किस तरह चालान सेंड करना है। तो देखेंगे, पहले तो सिंपली नेम का ऑप्शन है, तो आप नेम लिख लें विद सन ऑफ, जो भी आपका NIC पर नेम लिखा हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पर चालान का अमाउंट लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 500 है तो 500 लिखेंगे, यहाँ पर आप लाइन दे दें, यहाँ पर भी लाइन दे दें। उसके बाद आप टोटल अमाउंट लिख लें 500, यहाँ पे सिग्नेचर कर दें, यहाँ पर आप रुपीज़ में लिख दें 500 रुपीज़ ओनली, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर नेम हो गया, यहाँ पर आपका अमाउंट हो गया, यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें फिल हो गई। तो अब आते हैं जो मेन पॉइंट है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि इस जगह क्या लिखा जाए, फुल फुल पर्टिकुलर्स ऑफ रेमिटेंस एंड अथॉरिटी इफ़ एनी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि फ़ीस हम किस जॉब के लिए भर रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी टाउन ऑफिसर की जॉब्स आई हैं, तो इसको इस तरह लिखेंगे फ़ीस पेड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ टाउन ऑफिसर BPS 17। तो लीजिए, ये फुल फिल हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर डेट लिख लीजिए, जो भी डेट है। इसी तरह ये प्रोसेस है, बिल्कुल सिंपल है। आप देखते हैं कि कौन सी बैंक्स में ये पे हो सकता है। तो ये जनरली आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में या स्टेट बैंक में आप इसको पे कर सकते हैं। और पेमेंट के बाद आपको ये तीन कॉपीज़ हैं इसकी, तीनों को आप इसी तरह फिल करेंगे, और फिल करने के बाद बैंक में आप पे करेंगे तो आपको वो एक कॉपी रिटर्न करेंगे, और वो आप संभाल के रख लीजिएगा क्योंकि आगे प्रोसेस में काम आएगी, SPSC वाले मांगते हैं। तो फेलोज, ये था सारा प्रोसेस चालान डाउनलोड करने का और फिल करने का। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। और भी कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम।